गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद जिले के सभी बांध और तटबंधों को सुरक्षित रखने को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड में दिख रहा है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन नौगछिया के इस्लामपुर बिंद टोली स्पर संख्या 6 का जल संसाधन विभाग के इंजीनियर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किए। डीएम ने दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में गंगा और कोसी दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग जल संसाधन विभाग के साथ सभी संबंधित विभाग हर एक संभावित खतरे को लेकर तैयार है और अधिकारियों को 24 घंटे बांध और तटबंध पर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। देखिए नदी में जो है डेंजर लेवल से गंगा और कोसी दोनों नदी जो है वो बढ़ी हुई है, तो हम लोग अलर्ट हैं, विजिलेंट है हमारी पूरी टीम। इसी क्रम में आज मेरा इधर का निरीक्षण पुनः एक बार हुआ है, तो हम लोग सबको अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं और जहाँ भी जो आवश्यकता होगी जो आपदा प्रबंधन विभाग का SOP है उसके हिसाब से हम लोग काम करें। सर यहाँ पे 5N1 पे जो है कि हाल में एंटीरोजन वर्क हुआ था सर, और उसके बाद भी नोच कट गया था सर, जबकि पानी का जलस्तर भी निम्न था। नहीं, अभी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और सभी कार्यपालक अभियंता और उनकी पूरी टीम लगातार नज़र बनाए हुए है, विभाग के वरीय पदाधिकारी भी देख रहे हैं, हम लोगों का भी बिल्कुल इस पर नज़र है। कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको इमीडिएटली समाधान। कितने जगहों पे सामूहिक किचन वगैरह? सामूहिक किचन के बारे में हम लोग अभी निर्णय लेंगे। अभी हम लोगों का है कि जो नाव हम लोग दें, पॉलीथीन सीट्स का वितरण करें जो भी लोग विस्थापित हैं। अगर कहीं भी लोग ऐसा विस्थापित होकर के आएंगे तो उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था।